हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 16 अक्टूबर 2020 की नवी कक्षा की जो गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 45, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा ना कि लंबवर्तीय शंकु जो होता है वो किस प्रकार का होता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको आकृति में दिखाया हुआ भी है, ये आपका लंबवर्तीय शंकु होता है। हमें क्या जानकारी होना जरूरी है आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये कैसा होता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया था कि जो भी आपके पास शंकु होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठ का तो होता है पाई आर एल, और उसके बाद उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका है, आयतन का। तो बच्चों, जो भी कोई भी ठोस वस्तु होती है, अगर वो जितनी भी जगह घेरती है, जितना भी वो स्थान घेरती है, वो जो स्थान होता है उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। यानी कि अगर हम उसको मापें तो उसकी माप क्या कहलाएगी, आयतन कहलाएगी। अब ये तो हमारे पास जो वस्तु है वो कैसी है, ठोस है। लेकिन अगर हम खोखली वस्तु की बात करें, खोखली वस्तु यानी कि एक बर्तन की तरह हो जाएगी, तो उस बर्तन के अंदर हम क्या करें, हम उसके अंदर अगर हमें आयतन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ लिक्विड डालेंगे। लिक्विड भी डाल सकते हैं, यानी कि द्रव पदार्थ भी हम डाल सकते हैं, या फिर कुछ और भी डाल सकते हैं। तो वो जितनी जगह उसका घेरेगी वो उसके लिए क्या कहलाएगी, उसकी धारिता कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ठोस वस्तु की बात करेंगे तब तो हम बात करेंगे आयतन, लेकिन जब हम खोखली वस्तु की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, धारिता। लेकिन हम दोनों को ही कह दें तो भी इनके मात्रक क्या होंगे, घन मात्रक होंगे, यानी कि एक ही मात्रक होगा दोनों का। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक शंकु की। अगर मान लीजिए हमारे पास शंकु की जो आधार त्रिज्या है वो कितनी है, आर, और ऊँचाई है हमारे पास एच, तो हम शंकु का आयतन जो ज्ञात करेंगे उसके लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब ये हुआ कि शंकु का आयतन हमारे पास कितना हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों, आपको ध्यान है कि बेलन का आयतन कितना होता है, याद कीजिए। हाँ जी, देखो बेटा, बेलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आप यहाँ पर ये मानकर चले कि जो आपका बेलन है, ओके, बेलन आपको ध्यान है ना, इस प्रकार की आपके पास आकृति होती है, तो जो आपका बेलन है उसकी त्रिज्या यानी कि आर और शंकु की त्रिज्या यानी कि आर, ये दोनों अगर बराबर हो, इसकी त्रिज्या, ठीक है, और अगर हम इसकी हाइट ले लें यहाँ पर एच, और ये बराबर है शंकु की हाइट एच के, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी आपका बेलन का आयतन होता है उसमें आप क्या कीजिए, 1/3 से गुना कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, शंकु का आयतन। इसका मतलब ये हुआ कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम एक एक करके उनको यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल एक है, उदाहरण नंबर एक, कि एक लंबवर्तीय शंकु है, इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र तो हमने भी अभी निकाला, वो क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपके पास क्या कहा है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी कि आर का मान तो दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि एच का मान है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हम इन सूत्र में मान रख देंगे, तो 1/3 गुना पाई, पाई का मान 22/7, आर, आर कितना है 6, तो 6 को हमने दो बार लिखा, और फिर एच, एच यानी कि 7 से गुना किया, तो 7 से आपका 7 कट गया, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6, तो 22 × 2 = 44, और 44 को 6 से गुना किया तो हमें मिला 264, यानी कि लंबवर्तीय शंकु का आयतन आपके पास कितना आ गया है, 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब चलिए हम उदाहरण दो को देखते हैं। उदाहरण दो में हमारे पास शंकु जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, यानी कि एच का मान हमारे पास हो गया है 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आयतन आपके पास कितना है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों, शंकु के आयतन का सूत्र कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शंकु के आयतन का मान जो हमें दिया हुआ है 1570, ये रख सकते हैं। तो हमने शंकु के आयतन की जगह तो क्या रखा, 1570, और जो इसका सूत्र है उसके बराबर इसे रख दिया। इसके सूत्र में हमें जिस जिसके मान पता है हमने उनके मान रखे, तो हमने 1/3 लिया, पाई का मान हमने यहाँ पर रखा कितना, 3.14, क्योंकि हमें ये यहाँ पर इस प्रश्न में दिया हुआ है। फिर उसके बाद R, R है हमारे पास क्या, ये भी हमें ज्ञात करनी है, तो हम R को एज इट इज़ लिख देंगे, R लिख के ही, और फिर उसके बाद उसकी ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि H, H का मान है 15।
तो जब हम इसको हल करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 5 15 हमें मिल जाता है। 3.14 को 5 से गुना कीजिए, 14 5 70 और फिर उसके बाद क्या 5 3 15, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर मान कितना आ जाता है 15.70, ये हमारे पास यहाँ पे मान आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपके पास 15.70 तो हमारे पास आ चुका है और ये किसके साथ में है, आर स्क्वायर का गुना हो रहा है। तो जब हम आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1570 को में 15.70 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर का मान क्या आएगा। तो देखो भाई 1570 तो हमारे पास है ही, आप इसमें भाग दे रहे हैं 15.70 का, तो ये जो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगी, तो 1570 से 1570 कट जाएगा। तो आपके पास आर स्क्वायर का मान मिला 100, तो आप यहाँ से आर का मान ज्ञात कर सकते हो 100 का वर्गमूल लेके, यानी कि 10, तो 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाता है। तो आपका यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 भी क्लियर हो जाता है। अब उदाहरण नंबर 2 के बाद हम बात करते हैं किसकी, उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण 3 में हमारे पास शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है ना, धारिता। तो धारिता के लिए आप कौन सा सूत्र लेते हैं, 1/3 πr² h, ये आप यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद आपसे क्या कहा है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या 7 है, तो r का मान आपके पास कितना हो गया है 7, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि l का मान 25। तो बच्चे आपको पता है 1/3 πr² h के लिए आपको h का मान चाहिए, h का मान हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम l² = r² + h² इस सूत्र से हम यहाँ पर h का मान ज्ञात करते हैं। पहले l की जगह हमने 25 रखा, r की जगह हमने क्या रखा 7, तो 25² = 7² + h² 25 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 625, तो हमने यहाँ पर रखा 625, फिर बराबर है 7 का वर्ग यानी कि 49 + h² के, तो आपके पास यहाँ पर h स्क्वायर का मान आ जाएगा 625 - 49 यानी कि 576, और जब आपके पास 576 आ जाता है तो आप h के लिए क्या कीजिए, इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो वर्गमूल लेने के बाद आपको मिलेगा h का मान 24। h का मान 24 आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए, लीटरों में धारिता, यानी कि 1/3 πr² h का मान रख देंगे, तो 1/3 π की जगह हमने रखा 22/7, r हमारे पास कितना है जी, r है 7, तो हमने 7 को 2 बार रखा और h लिख दिया हमने 24, 7 से आपका 7 कट गया है, 3 एकम 3 3 8 24, इन सबको गुना किया हमें मिला 1232 cm³। अब चूंकि हमें ये जो धारिता ज्ञात करनी है किस में ज्ञात करनी है, लीटर में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे। तो बच्चों 1 लीटर जो होता है वो 1000 cm³ के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम 1 cm³ लेंगे, यानी कि जब हम लीटर में बदलेंगे, तो हम 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमें लीटर में तो हमें लीटर में उत्तर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ 1232 में 1000 से भाग दिया तो हमारे पास कितना आया, 1.232 लीटर। तो इस प्रकार हमें शंकु के आकार के बर्तन की धारिता मिल जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न 1 देखते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, शंकु है जिसकी ऊंचाई यानी कि h का मान हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि l जिसका मान हमें कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा गया है कि आप इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर सूत्र प्रयोग करते हैं क्या, 1/3 πr² h। तो इसके लिए बच्चों आपके पास r का मान नहीं है, तो हम सबसे पहले हम r का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब चूंकि l स्क्वायर बराबर होता है किसके, r² + h² के, तो यहाँ पर आप r स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, l² - h² कर दीजिए। तो l है हमारे पास कितना 28 यानी कि 28, और h कितना है 21। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास a² - b² का सूत्र हमारे पास आ जाता है, जिसमें हमारे पास मान क्या होता है a - b a + b, यानी कि एक बार हम माइनस कर दें और एक बार हम क्या कर दें, प्लस कर दें। तो 28 में से 21 को घटाया तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, और 28 और 21 कितने हो गए 49, तो आपके पास r स्क्वायर का मान है 7 × 49। अब हम इसे ज़्यादा हल नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो आपको आयतन ज्ञात करना है, यानी कि 1/3 πr² h ज्ञात करना है।
तो आप मान रख दीजिए 1/3, पाई का मान आपने रखा 22/7, आर कितना है हमारे पास 7×49, ठीक है। आर स्क्वायर का मान है ये हमारे पास 7×49, फिर एच है हमारे पास 21। तो जब हम ये सब मान रखते हैं तो इनको हमें क्या करना है, काटना है। पहले तो 7 से 7 कट जाएगा आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास क्या कटेगा, यहाँ पर 3 से काटिए, 3 से आपने 21 को काटा, कितनी बार गया आपका, 7 बार, ठीक है बच्चे। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए आपको 22 को गुना करना है पहले 49 से, और फिर 49 को आप किससे गुना करेंगे, 7 से। तो 22 × 7 आपके पास होता है 154, और जब हम 154 को 49 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 7546। तो ये हमारे पास आ जाता है किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हो गया है हमारा आयतन। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 2, जिसमें हमारे पास एक लंबवर्तीय शंकु है जिसका आयतन दिया हुआ है, यानी कि 1/3 πr² h, इसका मान हमें दिया हुआ है कितना, 9856 cm³। यदि इसके व्यास का आधार, देखो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा होना चाहिए यदि इसके आधार का व्यास, ठीक है, आधार का व्यास यानी कि d का मान दिया हुआ है, जो कि त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, और ये कितना है हमारे पास, 28 cm। तो आपके पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 का आधा, यानी कि 14 cm। तो आप मान रख दीजिए, ठीक है। तो देखो 1/3 π का मान है हमारे पास 22/7, आर है हमारे पास 14, इसका स्क्वायर है, फिर एच हमें ज्ञात करना है, यानी कि अब हम यहाँ पर पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इन सबको हम किसके बराबर रख देंगे, 9856 के, ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ पर देखिए जो आपसे कटता है काट दीजिए, 7 × 7 = 7, 7 × 14। आपको एच का मान चाहिए तो आप एच को इस तरफ रखिए और बाकी सब दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो जो ऊपर की संख्याएं हैं वो तो आपके नीचे आ जाएंगी, यानी कि 22 दो नीचे आ गया है और 14 भी नीचे आ गया, और जो नीचे की संख्या है यानी कि 3 वो आपका ऊपर चला जाता है। अब जिससे आपका ये कट सकता है आप उसे काट दीजिए। तो जब हम यहाँ पर इसको काटने चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 22 से काटते हैं। तो 22 × 1 = 22, 22 × 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 88, आपके पास बचेगा 10, यानी कि 105। तो दोबारा से आपके पास 22 × 4 = 88 हो गया है, फिर आपके पास कितना बचता है यहाँ पर, 17, और 17 × 6 यानी कि 176 बन गया है। तो आपके पास मिला ये 22 × 8 = 176। अब आप इसको दोबारा से काट दीजिए, जिससे कटता है 14 से कट जाएगा आपका ये, तो 14 × 1 = 14, और यहाँ से आपने भाग दिया 14 × 3 = 42, और फिर 14 × 2 = 28, फिर आपके पास मिला कितना, 32 × 3/2, तो 2 से काटा 16 बार कट गया, तो 16 × 3 = 48। इसका मतलब ये हुआ 48 cm हमारे पास ऊंचाई आ गई है। एच का मान हमें मिल गया, आर का मान हमें पता ही है, कितना है आर का मान, देखिए यहाँ पर आर का मान है हमारे पास 14 cm, और एच हमारे पास कितना मिला है हमें, 48 cm। अब हमसे क्या पूछा है कि आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का क्या सूत्र होता है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है हमारे पास L√H²+R²। आप मान रख दीजिए H यानी कि 48 का स्क्वायर कीजिए, R यानी कि 14 cm इसका स्क्वायर कीजिए। 48 का वर्ग कितना होता है आपके पास बताइए, 48 को जब हम 48 से गुना करते हैं तो हमें 2304 मिलता है, और 14 का वर्ग होता है 196, इनको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 2500, और जिसका वर्गमूल हमारे पास कितना हुआ, 50, यानी कि 50 cm हमारे पास तिर्यक ऊंचाई मिल जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी कौन सा वाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि πr। पाई का मान रखो 22/7, आर कितना है हमारे पास 14, और एल कितना है हमारे पास 50, ठीक है, ये सब हम मान रख देते हैं। 7 × 7 = 7 × 14, तो आपके पास 50 × 100, 100 को 22 से गुना कर दो, यानी कि 2200 cm², ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न 3 है, वह जिसमें हमारे पास गेहूं की एक ढेरी है जिसका व्यास दिया हुआ है 10.5 मीटर, व्यास यानी कि त्रिज्या का दुगना। तो आप यहां पर त्रिज्या निकालने के लिए 10.5 में 2 से भाग दे दीजिए, और फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास,
3 मीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब एक तरीके से ये जो आपके पास गेहूं की जो ढीप है वो इस तरीके से है कि ढेरी शंकु के आकार की है ये ही, ठीक है। और इसका हमें आयतन ज्ञात करना है, तो इसके आयतन का सूत्र हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3 πr² h, मान रख दीजिए आप 1/3। पाई का मान हमारे पास है 22/7, इसके बाद r का मान यानी कि 10.5/2, फिर उसके बाद 10.5/2 और h कितना है 3, तो 3 से 3 कट गया है। और देखिए 2 से आप काटेंगे तो ये आपका 11 आ जाएगा, 7 से आप इसे काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके पास 11 × 1.5 × 10.5 आपके पास आ जाता है, ठीक है बच्चे। तो आप जब इन सबको गुना कर दीजिए, यानी कि जब हम इनको गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर मिल जाता है हमें 173.25। और अब साथ साथ में देखिए आपको इसे भाग देना है किससे, 2 से भी, ये 2 भी तो है यहाँ पे नीचे, तो जब हम इसे 2 से भाग देते हैं तो कुल मिलाकर फिर हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 86.625। ये हमारा क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है मीटर क्यूब में। अब ये कहा गया है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाना है तो इसके लिए कैनवास से ढकना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बच्चों अगर आप इसे ढकेंगे तो ढकने में तो आपको इसका बाहर का जो पृष्ठ है केवल यही ढकना है, इसका मतलब आपको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारे पास क्या उत्तर होता है, क्या सूत्र होता है, πr(l). पाई का मान रख दीजिए आप कितना आएगा, 22/7। r कितना है हमारे पास, जो त्रिज्या है जो हमने अभी निकाला, 10.5/2। और फिर उसके बाद आप इस रखिए इसकी क्या त्रियक ऊंचाई, और त्रियक ऊंचाई यानी कि l, l का मान हमारे पास क्या है नहीं पता, तो इसके लिए हम l का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो l के लिए आप ज्ञात कीजिए r² + h² को, ठीक है बच्चे। r कितना है हमारे पास, 10.5/2² प्लस h, h कितना है हमारे पास ऊंचाई, और ऊंचाई है हमारे पास ये 3, तो 3 का आप क्या कर दीजिए यहाँ पे वर्ग कर दीजिए। तो जब हम इस प्रकार से इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको ये मान मिलेगा किसके बराबर, 6.05। तो ये आपके पास l का मान आ गया है। तो अब आप यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब आप क्षेत्रफल को ज्ञात करने चलते हो ना, यानी कि पाई आर एल का ये जो मान निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास 2 से 22 11 बार कट जाता है, और 7 से 10.5 कितनी बार कट जाता है, 1.5। तो 11 को 1.5 से गुना कर लो, आपके पास कितना आ जाएगा, 16.5, और l है हमारे पास 6.05। तो जब हम इनको आपस में गुना करते हैं तो हमारे पास उत्तर मिलता है हमें 99.825 m². तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि जो भी हमें कैनवास चाहिए ना, उस कैनवास का क्षेत्रफल। तो प्रश्न 3 भी हमारा हो चुका है। अब हमारे पास इस वर्कशीट का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और इसका हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब इस तरीके से आपके पास आकृति है जिसमें ये 5 है, ये 12 है और ये कितना है, 13 है, ठीक है बच्चे। इसमें भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः इस समकोण त्रिभुज को घुमाया जाता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर नेम दें कि ये ए बी सी है और आप इसे घुमा रहे हो, यानी कि सी भुजा जो है घूमेगी तो वो यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ पर आएगी, तो आप यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये आपके पास किसकी आकृति बन जाएगी, एक शंकु की आकृति बन जाएगी। और इस शंकु का आपको क्या ज्ञात करना है, फिर आयतन, आयतन यानी कि 1/3 πr² h, मान रख दीजिए 1/3, पाई का मान कितना है हमारे पास, 22/7। r यानी कि त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये हमारे पास कितनी है इस शंकु के लिए, 5 है जी, तो आपने 5 × 5 किया इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 12, तो 3 से 12 चार बार कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 को 4 से गुना किया कितना आया, 100, तो आपके पास 22 × 100 यानी कि 2200/7 मिलता है। तो जब हम इसको यहाँ पर भाग देते हैं तो 314.28 ये हमें मिल जाता है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हमारे पास इस ठोस का आयतन हो जाता है। इस प्रकार आपकी जो वर्कशीट है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। बच्चों अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।